गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं प्रभजी सिंह, बीएड प्रति वर्ष की क्लास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था एंड विकास विषय को लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम अध्ययन कर रहे थे शिक्षा मनोज्ञान का। शिक्षा मनोज्ञान के अंदर शिक्षा का हमने अध्ययन किया, मनोज्ञान का अलग से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, फिर उसके बीच में शिक्षा मनोज्ञान में संबंध क्या है इसके बारे में भी चर्चा की। उसके बाद हम कुछ परिभाषाओं को देखा, जैसे प्रो एंड प्रो की परिभाषा है, मुख्य रूप से प्रो की परिभाषा है, स्किनर की है, ई चार सी स्किनर की परिभाषा है। इन परिभाषाओं को भी महत्वपूर्ण थी, उनका भी हमने अध्ययन किया। इन परिभाषाओं के आधार पर हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि शिक्षा मनोज्ञान बालक के जो शैक्षिक वातावरण में जो उसका व्यवहार होता है उसका अध्ययन करता है। फिर हम उसकी प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उनकी प्रकृति कैसी है शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में हमने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहार किससे प्रेरित है? समाज से। तो हमने यह निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक होने के साथ साथ सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि मानव व्यवहार मानव है वो समाज में रहता है, और समाज में रह करके वहाँ के रीति रिवाज हैं, वहाँ की जो परंपराएं हैं, परिवेश हैं, उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, शिक्षक पर पड़ता है, शैक्षिक वातावरण पर उसका प्रभाव पड़ता है, और विद्यार्थी पर पड़ता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान होने के साथ साथ सामाजिक विज्ञान भी है। कुछ हमने इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी, प्रकृति से किस प्रकार से संबंध है, कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। यह पूर्णतः मान लिया गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है, और उनको क्या है, इन खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों की विधियों का प्रयोग करता है शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा की समस्याओं का समाधान करता है, और इसी खोजों के आधार पर, निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान किसी छात्र की भविष्यवाणी भी कर सकता है। ये बात ध्यान रखनी है, क्या शिक्षा मनोविज्ञान के छात्र की भविष्यवाणी कर सकता है? तो इसमें यही आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान बालक की भविष्यवाणी कर सकता है। किसके आधार पर? उसकी खोजों के आधार पर, निष्कर्ष के आधार पर, उसके जो अनुभव हैं, जो उसने अध्ययन किया है, रिसर्च किया उस बालक के बारे में, उसके लेकर के वो उस बालक के भविष्यवाणी भी कर सकता है। जिस प्रकार से मंदबुद्धि बालक है तो किस प्रकार का विकास कर सकता है, किस क्षेत्र में वो अधिक जा सकता है, वो शारीरिक क्षेत्र में स्वस्थ है या मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो उसकी रुचि किस तरफ है, इस प्रकार की भविष्यवाणी वो उस मनोविज्ञान कर सकता है। समस्या का और इसी जो मनोविज्ञान का ज्ञान होने के साथ साथ यदि पूर्ण रूप से शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वो बालक की समस्याओं का विश्लेषण कर सकता है कि वास्तव में बालक की समस्या क्या है, क्योंकि बालक की एक समस्या नहीं है, बालक कहीं ना कहीं असामाजिक है, अनैतिक है, तो उसके पीछे कई समस्या हो सकती हैं, और कई क्षेत्र की समस्या हो सकती है, उसके परिवार से जुड़ी समस्या हो सकती है, उसके समाज से जुड़ी समस्या हो सकती है, उसके जो मित्र मंडली है उससे संबंधित समस्या हो सकती है, कि मित्र मंडली से अच्छी नहीं है, वो अच्छी तरह से उसको क्या है हैंडल नहीं कर रही है, वो उसको गलत रास्तों पर लेकर जा रही है, तो कहीं ना कहीं किस सेक्टर में उसकी समस्या है, विद्यालय में समस्या है, विद्यालय में किसी पाठ्यक्रम से समस्या है, किसी विधि से समस्या है, कोई विधि से या जिस विधि से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है बालक को। तो शिक्षक मनोविज्ञान है वो, यदि एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वो क्या है, उसके आधार पर बच्चे की समस्या का विश्लेषण कर सकता है, ये बात हमने देखी थी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में हमने चर्चा की थी कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वो लचीली भी है और स्थिर भी है। लचीलापन है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर कुछ चीज़ें इस प्रकार से हैं कि वो उसके लिए समस्या के आधार पर उसको चेंज कर सकते हैं, और स्थिर का मतलब है कि कुछ चीज़ें इसमें स्थायी रूप से, जिस चीज़ों का जिस स्टेप से हम स्थायी रूप से अध्ययन करते हैं उसी रूप से उसके अंदर अध्ययन किया जाता है।
तो उसके बाद में क्या है कि व्यापक भी है इसका और सूक्ष्म भी है। इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक भी है और सूक्ष्मता से गहराई से इसका किया जाता है। इस आधार पर हमने इसके लिए कुछ विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की थी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन का क्षेत्र होता है वो जो वर्तमान में जो कार्यगत अध्ययन है उसका भी अध्ययन किया जाता है, उस कार्यगत अध्ययन को जो भावनाएं प्रभावित करती हैं उसका भी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। अब अपने ये मान चुके हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक होने के साथ साथ विज्ञान किस प्रकार से अध्ययन करता है उसी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमने इसमें अध्ययन करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है तो कैसे है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति प्रकृति वैज्ञानिक तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। इसके लिए कहा गया है प्रो एंड प्रो ने एक परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना गया है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, वैज्ञानिक है, विधायक विज्ञान है। ये बातें हम इसके बारे में देखेंगे क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान बालक का अध्ययन करती है, बालक के अध्ययन के अंदर क्योंकि बालक का व्यवहार ही आता है, व्यवहार के अंदर ही बालक की विशेषताओं का पता चलता है, उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। क्योंकि ये मानव वास्तव संबंधित वैज्ञानिक के लिए निश्चित किए गए सिद्धांतों और तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या का प्रयास करता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है और सिद्धांतों का भी प्रयोग करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की भांति वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, जब आप अपने बार बार प्रयोग कर चुके हैं वो निष्कर्षों के आधार पर विषय को निकाल सकता है। तो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालता है और उन निष्कर्षों के आधार पर विषय को निकालता है। तो ये अपने आप में एक स्टेप बन जाता है कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना, उसके आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करना, उसके आधार पर विषयवाणी करना कि अब आगे इस प्रकार से कार्य हो सकता है। इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष रूप से अधिक यथार्थ विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है, जो चीज़ घटना घट रही है वो है और वैज्ञानिक तथ्यों को ग्रहण करता है। तो विज्ञान अपने प्रत्येक प्रयोग में कुछ सवालों का प्रयोग करता है, उसी के आधार पर ही वैज्ञानिक जो मनोविज्ञान है वो भी कार्य करता है। तो सबसे पहले जो विज्ञान कार्य करता है, सबसे पहले किसी भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले क्या होती है कि क्या किया जाए, किस पर कार्य किया जाए। यदि हम ये नहीं पता हो किस पर कार्य करना है, हमारे टॉपिक क्या है, हमारा प्रकरण क्या है, हमारी समस्या क्या है, तो यदि कोई समस्या होगी तभी हम उसका प्रयोग कर सकेंगे। तो सबसे पहले क्या होती है समस्या, तो वैज्ञानिक प्रकृति है, सबसे पहले जो काम होता है सबसे पहले जो वैज्ञानिक काम है वो क्या होता है समस्या। समस्या का मतलब ये है कि हमें किसी कार्य क्षेत्र में किसी कार्य क्षेत्र में कार्य करना है तो उसके बारे में पता होना चाहिए किस बात को कार्य करना है। कोई समस्या हमारे सामने होगी तभी हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके लिए फिर अपने डाटा कलेक्ट करेंगे। मान कोई सामाजिक बुराइयां हैं, बाल अपने समाजशास्त्र में से ले लें तो कई प्रकार की सामाजिक बुराइयां होंगी, एक समस्या है। वैज्ञानिक विधि है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो वो भी एक समस्या है। अब उसको वैज्ञानिक तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे भी किस इस क्षेत्र में डाटा कलेक्ट किया है, कहाँ कहाँ किस चीज़ से नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से एक समस्या को लेकर के कुछ प्रयास किए जाते हैं। इसी प्रकार मनोविज्ञान भी क्या है, उस समस्या को लेकर के कार्य करता है। अब आती है उपकल्पना, प्री इमेजिनेशन है। उपकल्पना का मतलब है हमें उसका जो संभावित उत्तर मिल जाए, संभावित कल्पना कर लें उस समस्या को हल करने से पहले उसको हम उपकल्पना कहते हैं। जैसे हम रिसर्च के अंदर बात करते हैं, रिसर्च के अंदर हमने हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस के बारे में, हाइपोथेसिस वो चीजें उपकल्पनाएं होती हैं
जिससे हम उस समस्या का संभावित उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। उसके बारे में कुछ चार पांच विचार कर लेते हैं या एक दो विचार कर लेते हैं कि इस प्रकार से कार्य होगा जी हमारे निष्कर्ष प्राप्त होंगे। फिर उस कल्पना को सिद्ध करने के लिए कार्य किया जाता है, फिर डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके लिए उसके अंदर उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर आगे निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है, फिर ये देखा जाता है कि जो कल्पना हमने निर्धारित की थी वो सही है या गलत हो गई। सही हो गई तो हम सही दिशा में चल, गलत हो गई हो सकता है आगे जो चीज़ें हमने सोची थी उसकी एक एक काल्पनिक उत्तर प्राप्त किया था, हो सकता है वो क्या है झूठी हो जाए, बाद में निष्कर्ष ऐसा उसके अकॉर्डिंग नहीं आए तो वो उपकल्पना एक संभावित उत्तर है। समस्या से संबंधित कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं, उन्हीं का प्रयोग के आधार पर बताया जाता है कि कहीं ये प्रश्न उपकल्पनाओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं कि ये किस प्रकार से होगा, उसका उत्तर अपने मन में सोच लिया जाता है तो उसके बारे में उपकल्पना है यानी कि उसकी प्री इमेजिनेशन है, इस प्रकार से कार्य करेंगे। नंबर तीन है आंकड़े एकत्र करना। अब हमने समस्या का यही समस्या हमारे सामने है, हमें जिसका कार्य करना है वो फिर हमारे सामने है, फिर हमने इसके बारे में विचार किया कि ऐसे ऐसे कार्य होगा, इस प्रकार से कार्य होगा, तो उसके बारे में है आंकड़े एकत्र करने। आंकड़े एकत्र करना, आंकड़े एकत्र करना क्या है, एक उस विषय से संबंधित एक व्यापक कार्य है कि हम कहीं ना कहीं से कुछ नए आंकड़े एकत्र करने हैं, कुछ जो पुराने आंकड़े हैं जैसे प्राथमिक द्वितीयक होते हैं, जो रिसर्च की बातें हैं कि जैसे प्राथमिक आंकड़े हो गए, द्वितीयक आंकड़े हो गए, प्राथमिक आंकड़े हैं जो बिल्कुल हमने नए रूप से प्राप्त किए हैं, द्वितीयक आंकड़े कहीं से हमने दूसरी जगह से प्राप्त कर, दूसरे जो बने बनाए आंकड़े थे उन उसी को उठा लिया, वो द्वितीयक आंकड़े हो जाते हैं, तो प्राथमिक ये थोड़ा सा रिसर्च का व्यापकता का मैटर है। इसके लिए एक जैसे अपने PhD के अंदर रिसर्च करते हैं तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो आंकड़े एकत्र करना, आंकड़े एकत्र करने के लिए सावधानीपूर्वक जंतुओं की सहायता से अवलोकन करना होता है, उसके साथ साथ निष्पक्षता के साथ लिपिबद्ध करना होता है और इन समस्या से सभी प्रकार के आंकड़े एकत्रित कर लिए जाते हैं। तो साथ कुछ यंत्र हैं, उस उपकरण हैं, उनके माध्यम से डाटा को कलेक्ट करते हैं, कई हो सकती है, कई विधियाँ हो सकती हैं, एक डाटा एकत्रित करने की योगात्मक विधि है, साक्षात्कार विधि है, सर्वेक्षण विधि है, उसके आधार पर डाटा को एकत्रित करते हैं और फिर उसको हम एक निष्पक्षता को लिपिबद्ध करते जाते हैं, व्यवस्थित करते जाते हैं, इस प्रकार से डाटा क्रमबद्ध रूप से हमें हमारे पास एकत्रित होता जाता है। फिर उसके अंदर से वर्गीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि हमारे लिए क्या उपयुक्त है। तो नंबर चार है तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण। तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण, आंकड़ों को डाटा को कलेक्ट करने के बाद में हम उसका वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण करने के बाद में उसका पूरा एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और जो उपयुक्त चीज़ें हैं उसको हम क्रमबद्ध रूप से क्या है उसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो जिन विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद में वर्गीकरण विश्लेषण किया जाता है और वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं कि बिखरे हुए तत्वों में एक संबंध और प्रतिबंध दिखाई पड़े, कोई डाटा कहीं से ले लिया, कहीं से ले लिया, फिर हम उसको एक व्यवस्थित तरीके से रखते हैं कि जिस प्रकार से पूरी जो तस्वीर है, समस्या की जो तस्वीर है उसको करने का एक दृश्य हमारे सामने आ जाए कि हमने जो डाटा उस वहाँ से कलेक्ट किया है, कहीं से ऑन नेट से कलेक्ट किया है, तो उनको पूरी तरह से अलग अलग भागों से जो डाटा को कलेक्ट किया गया है, आंकड़ों को एकत्रित किया गया है, हम उसको व्यवस्थित करते हुए उसका वर्गीकरण करते हुए अलग अलग पार्ट बनाते हुए जिस प्रकार से हमें चाहिए उसका विश्लेषण करते हुए हम उसको एक पूरी तरह से उस समस्या के अनुरूप बना लेते हैं जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो सके। इनके लिए सांख्यिकीय विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, सांख्यिकीय विधियों के अंदर हम डाटा का क्या कर विश्लेषण करते हैं और उसका एक क्या है परिणाम भी निकालते हैं कि इस प्रकार से डाटा कलेक्ट किया उसका क्या परिणाम होगा।
तो एक है समानीकरण, अब नेक्स्ट पॉइंट है समानीकरण। समानीकरण का मतलब जनरलाइजेशन है, जिसको अपने कह सकते हैं कि एक नियम बना लेना, जिस प्रकार से हम एक उदाहरण ले कि उस उदाहरणों के माध्यम से हमने एक निष्कर्ष प्राप्त कर ली, प्रवेशित कर ली, उदाहरणों के माध्यम से प्रवेशित कर ली, तो प्रमेय क्या है, एक सामान्यकरण हो गया कि तरबूज के तीन न्यूट्रॉनों का योग अच्छी डिग्री होता है। अब इस प्रमेय को यदि उदाहरण की तरह सिद्ध करेंगे तो वो उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध करते हुए हम उदाहरण लेंगे। यदि उदाहरण के द्वारा हम दोबारा सिद्ध कर देंगे कि ये नियम सही है तो एक प्रमेय बन जाएगा, नियम बन जाएगा। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संज्ञा का उदाहरण लेते, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान भाव के नाम को संज्ञा कर, तो इस प्रकार से एक को क्या है सामान्यकरण है कि ये लाइन हमें एक नियम बताती है कि इस प्रकार की जो बातें हैं, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे आपका किसी भाव का नाम हो, वो संज्ञा है। इसी प्रकार से एक नियम बन गया, सामान्यकरण बन गया, एक प्रमेय बन गई, जिससे हम आगे चलकर उसी के अनुरूप आगे कार्य करने लगे। तो वर्गीकरण या विश्लेषण के प्रतिमानों के आधार पर सामान्य सिद्धांत का निर्माण होता है, यानी कि एक सामान्य सिद्धांत बन जाता है कि ये काम ऐसे होता है तो ऐसे ही होगा, इसका जो नियम है ऐसे ही होता है। तो इन सामान्य नियम या सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाते हैं। तो ये सब अपने प्रयोग के द्वारा अपने प्रशिक्षण द्वारा सिद्ध कर दिया कि ये कार्य इस प्रकार से हुआ, वो एक प्रकार से जनरलाइजेशन होता है, सामान्यकरण हो जाता है, सभी लोग उसके लिए मानते हैं, अखबारों को भी माना जाता है। नंबर छह है प्रेक्षण। प्रेक्षण टेस्ट, तो प्रेक्षण होगा, प्रेक्षण एक टेस्ट होगा, ना लो अपने एक नियम बना दिया कुछ उदाहरणों के माध्यम से, या किसी चीज का प्रयोग कर दिया आपने, उसकी खोज कर दी, उसका आविष्कार कर दिया, वो आविष्कार एक जब कर दिया तो उसके अंदर वो जिसमें जो भी उसमें अंदर सिद्धांत लगाए हैं आपने, जो भी प्रयोग किए हैं, वो एक सामान्य नियम बन गया कि इस प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए, इस प्रकार के तत्वों का प्रयोग करते हुए ये आविष्कार होता है। अब उस आविष्कार का टेस्ट किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, यदि वो सिद्धांत आविष्कार उस टेस्ट में खड़े उतरते हैं तो पूरी तरह से वो सिद्धांत है उसमें लागू हो जाएगा, और इस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कहा जाएगा, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए उस सिद्धांत को लागू कर दिया जाएगा। तो परीक्षण का मतलब है विज्ञान प्रयोग के द्वारा सामान्य नियमों को बनाता है, फिर उसकी वैधता और सत्यता की जांच की जाती है प्रशिक्षकों के द्वारा, परीक्षण के द्वारा उसकी जाँच की जाती है। जब यही परीक्षण सही परिणाम प्रस्तुत कर देते हैं तो वैज्ञानिक प्रयोग कहलाता है, तो वैज्ञानिक प्रयोग बन जाता है। तो जो आपने टेस्ट किया है, परीक्षण किया है, यदि वो सही हो जाता है तो एक वैज्ञानिक प्रयोग माना जाता है। इस प्रकार से हम इसके कुछ नियमों के बारे में चर्चा की। सबसे पहले क्या होती है, सोपान है, विज्ञान का विज्ञान है, विज्ञान इन विधियों को अपनाता है। अपने कहते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान एक व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप से क्या है, एक क्रमबद्ध रूप से किया गया अध्ययन है जिसको प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो वही चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें समस्या होनी चाहिए, समस्या के बाद में समस्या से हम कुछ हल ढूंढते हैं, उन हलों के हर तरीके द्वारा हम उस उपकरण को चेक करने के लिए डाटा कैप्चर किया जाता है, डाटा कहीं से कैप्चर कर सकते हैं, हमने अलग अलग जगह से प्राप्त करते हैं, उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद में उसका वर्गीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, जैसे उसमें जो उपयुक्त डाटा होता है उसको एक क्रमबद्ध रूप से रखते हुए पूरी तरह से समस्या के समाधान के लिए उपयोगी बना दिया जाता है, फिर उस उपयोगी बना के उस का सामान्यकरण कर लिया जाता है। वो एक नियम हमने बनाया है, डाटा कलेक्ट करते हुए जो हमने जोड़ निकाला है वो सामान्यकरण के रूप में आ जाएगा। इसी सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, टेस्ट करते हुए, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हुए हम एक प्रशिक्षण लेंगे, उन प्रशिक्षण में यदि वो चीज़ खड़ी उतरती है तो उसी प्रकार से वो एक सिद्धांत का नियम बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक विधियों में अपनाई जाती है, विज्ञान में अपनाई जाती है, तो क्योंकि शिक्षा मनोज्ञान भी एक वैज्ञानिक है, तो ये सारी चीज़ें मनोज्ञान के अंदर भी, शिक्षा मनोज्ञान के अंदर बालक की समस्या हो, शिक्षक की समस्या हो, शख्स वातावरण की समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं, इसमें मान लो किसी बालक की समस्या है तो क्या समस्या है,
बाल अपराधी है तो एक प्रकार से बाल अपराधी के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये सारी समस्या तो बाल अपराध हो गई। उसके बाद उसको विकल्प न बनाएंगे कि उसका समाज के साथ और अच्छा नहीं है या उसके विद्यालय के अंदर उसकी नेतृत्व भी अच्छी नहीं है, इसी कारण अपना अपने स्वाद से उत्तर लेंगे उनके बारे में कार्य करेंगे कि परिवार के अंदर परिवार से बातचीत करेंगे या फिर उसके आत्मों से बातचीत करेंगे। तो एक डाटा को कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे, फिर एक नियम बना देंगे कि इन कारणों से बालक का जो बाल अपराध होने का कारण हो सकता है वो एक नियम बन जाएगा और उस नियम के आधार पर उसका परीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे। ये मनोवैज्ञानिक उसको मानव व्यवहार है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इसके अंदर निश्चित नहीं होती, लेकिन एक वैज्ञानिक विधि के अंदर यदि हम इसको लेंगे तो लगभग जो सिद्धांत हैं जो कारण वो सेम से नजर आएंगे। इसी प्रकार से वैज्ञानिक विधियों का है, जितना कि हमने शैक्षिक वातावरण के अंदर बालक नहीं पढ़ रहा, मिलता बालक है, वन बुद्धि बालक है, तो इस प्रकार की बातों को अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में है, तो वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। आगे हमने इसके बारे में एक अध्ययन और करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के वैज्ञानिक पद्धति के तत्व क्या हो सकते हैं। तो तत्वों के बारे में ये जुड़ा हुआ टॉपिक ही है, उस चीज़ें हम कल तक हम देखेंगे, थोड़ा सा मैंने इसको एक बार देख लेते हैं, कल हम इसको विस्तार से भी चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें क्या है, कौन कौन से वैज्ञानिक विधि तत्व होते हैं, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना, तथ्यात्मक रूप से फैक्ट ज़्यादा होते हैं, मूल्यों का वैल्यू कम होते हैं वैज्ञानिक के अंदर, है ना, और सार्वभौमिकता होती है कि एक वैज्ञानिक विधि है जो हमने विज्ञान के अंदर जो सिद्ध कर दिया सभी जगह मान्य है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, उसकी वैधता होती है, सभी लोग उसको मानते हैं। कार्यकारण संबंध होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विज्ञान के अंदर बिना कार्य कारण के कार्य नहीं होता, बिना कार्य के कोई कार्य नहीं होता, जो मानते हैं कि किसी न किसी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसी प्रकार से मनोविज्ञान मानता है, शिक्षा मनोविज्ञान मानता है कि क्या के साथ साथ कैसे का अध्ययन भी किया जाए, कि क्या अध्ययन मानव का व्यवहार क्या है और कैसा भी उसका भी अध्ययन किया जाए। तो कार्य और कारण के बारे में संबंध जानने का प्रयास करता है शिक्षा मनोविज्ञान, वैधता और सत्यता की सिद्ध करता है और इसके साथ अपने बात करने की भविष्यवाणी की, तो भविष्यवाणी भी कर सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार कल चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।